close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We'll go. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे ठीक सामने खड़ी है टाटा 3518 गाड़ी। ये गाड़ी पूरी जम्मू स्टाइल में गाड़ी तैयार की हुई है। इसका हम आपको आज फुल रिव्यू कराएंगे, कैसे इस गाड़ी का सारा काम हुआ है, कैसा कैबिन बना हुआ है, कैसी बॉडी बनी हुई है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और लाइक जरूर करना, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए हम वीडियो की सबसे पहले आपको फ्रंट से शुरुआत कर सकते हैं। देख सकते हो आप ऊपर भोलेनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, लाइट्स का काम ऊपर लगा हुआ है देख सकते हो, और सारा स्टील का ये फ्रंट बना हुआ है देख सकते हो आप। ऑल ओवर इंडिया परमिट लगा हुआ है और शीशे पर देख सकते हो आप, सिंपल शीशे जम्मू के स्टाइल में जैसे बनाए हुए हैं, और बड़े बिग शीशे गाड़ी में डाले हुए हैं दोनों साइड। सेंटर तिली निकाली गई है, सिंगल हैंडल लगाया हुआ है और देख सकते हो आप हैंडल बार लगे हुए हैं आगे हैंडमेड, और वाइपर मशीन है जो नीचे सेट की हुई है, स्टील गोला लगा हुआ है सामने देख सकते हो, गोल्डन टच गाड़ी में दिया हुआ है। इंडिकेटर्स की सेफ्टी के लिए यहाँ पे इंडिकेटर्स जाली से लगी हुई हैं, और स्टील से ये देख सकते हो आप लाइट्स के ऊपर ये लाइट सामने लगाई हुई है, LED DRL देख सकते हो आप, और आई कैट्स का काम, और यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर से डबलिंग का काम भी यहाँ पे हुआ हुआ है, वो भी हम आपको एक बार दिखाते हैं। देख सकते हो आप डबलिंग का काम हुआ ऊपर से लेकर नीचे तक, लाइट्स का काम इससे साथ में हुआ हुआ है। प्रेशर हॉर्न है जो वो देख सकते हो नीचे फिट किया हुआ है यहाँ पर, 6 पाइप वाला अल्युमिनियम का। और आगे देख सकते हो रेंज रोवर हिमाचल की यह गाड़ी है, यहाँ पर आगे बम्पर पर स्टील लगी हुई है, सारा काम हुआ हुआ है, स्टील खंडे यहाँ पर लगे हुए हैं साथ में देख सकते हो आप, और जयपुर स्टैंड लगे हुए हैं देख सकते हो आप। टूल की देख सकते हो आप, जो टेपर है गाड़ी वो 18 इंच गाड़ी टेपर रखी हुई है यहाँ पर देख सकते हो आप। टूल बॉक्स जो गाड़ी का स्टील का टूल बॉक्स बनाया है ऊपर देख सकते हो, टाला डिज़ाइन डाला हुआ है, और CD रखी हुई है पाँव रखने के लिए, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी देख सकते हो आप। PUBG स्टिकर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, रोड राइडर्स मेटैलिक पेंट गाड़ी में हुआ हुआ है, तीनों कलर गिल ट्रक बॉडी बिल्डर्स का देख सकते हो आप मार्का। और व्हील कैप कस्टमर की चॉइस के रहते हैं, कस्टमर व्हील कैप लगवा सकता है अगर लगवाने चाहते हो। सेफ्टी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो आप कब्जे के लिए कब्जा लगाया हुआ है, आप उसको ओपन कर सकते हो। आप स्पेयर टायर आगे किया हुआ गाड़ी का, इसका स्पेयर टायर पीछे लगा होता है उसका हमने आगे किया हुआ है, और जो एंगल इस्तेमाल हुआ है वो देख सकते हो सेल का एंगल इस्तेमाल हुआ है, 65mm 6mm मोटा हैवी एंगल। और टोटल इस गाड़ी में जो बत्ते लगे हुए हैं वो 10 बत्ते गाड़ी में लगे हुए हैं, और 2 एंगल डबल किए हैं डमी टायर के आगे और पीछे देख सकते हो आप, पीछे की तरफ 4 बत्ते लगाए हुए हैं। और गाड़ी की हाइट है फुल हाइट 87 इंची गाड़ी की हाइट रखी हुई है, 4 फिट की स्टील लगी हुई है और उसके ऊपर लकड़ी लगी हुई है, और साथ में ऊपर चैनल प्लस पाइप लगा हुआ है। ऊपर की तरफ हम आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे बॉडी पे आपको कुंडी लगेगी और ऊपर की तरफ भी आपको डबल कुंडी लगी हुई है। CD देख सकते हो आप, आगे की तरफ भी आपको CD दोनों साइड में, उस साइड भी आपको CD मिलेगी और पीछे की तरफ भी आपको CD मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हो आप तहसील अर्की डिस्ट्रिक्ट सोलन HP की ये गाड़ी है, 3M रेडियम भी लगी हुई है गाड़ी में, यहाँ पे देख सकते हो आप जंगले पे सारा रेडियम का काम हुआ हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो आप। अंदर बॉडी में अंदर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो आप 5mm का चक्र प्लेट चदर का फ्लोर लगा हुआ है, चक्र प्लेट का साइड उल्टा रखी हुई है, ऊपर प्लेन रखी हुई है ताकि बेलचा वगैरह ना अड़े देख सकते हो आप। यहाँ पर देख सकते हो साइड में चदर लगाई हुई है लकड़ी के ऊपर पीछे की तरफ, ताकि जो क्लिंकर गाड़ी में लोड होता है तो गर्म होता है तो वो लकड़ी को नुकसान नहीं करेगा देख सकते हो। दोनों साइड में लकड़ी के ऊपर चद्दर लगी हुई है, ऊपर की तरफ देख सकते हो आप 5 बत्ते ऊपर की तरफ डाले हुए हैं। स्पेयर पाइप है वो 3 हिस्सों में रखा हुआ है, क्योंकि जो गाड़ी लोड होगी सेंटर से गाड़ी लोड होगी, और आगे वाला पाइप और पीछे वाला पाइप आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सेंटर वाला यहां से पाइप उतार सकते हो और गाड़ी आपकी यहीं पर लोड हो जाएगी। स्पेयर पौड़ी स्पेयर सरिया पीछे फट्टे जो लोहे के फट्टे डाले हुए हैं, स्पेयर फट्टे ऊपर कुंडी देख सकते हो आप,
एंगल वाली कुंडी, डबल कुंडी यहाँ पर लगाई हुई है। आप देखो चैनल्स लगे हुए हैं, लकड़ी बरकर चैनल्स लगे हुए हैं, साथ में काटी का डिजाइन भी साथ में डाला हुआ है पूरी मजबूती के साथ। और यहाँ पे देख सकते हो डो में ब्रैकेट्स लगे हुए हैं गाड़ी में, वो भी आपको साथ में लगे। और जो बैक है उसमें देख सकते हो आप चादर मोड़ी हुई है, बेंड की हुई है, और साथ में लंबी लेयर लगाकर चादर ज्वाइंट की हुई है, किसी प्रकार का लीकेज का ऑप्शन नहीं रहेगा बिल्कुल भी। और बॉडी के एडुए की बात की जाए तो नीचे एडुए के आपको ऑप्शन हम दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पोर्टिंग का काम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हुआ हुआ है, यहाँ नीचे स्पोर्ट की हुई है, बैटरीज है जो गाड़ी की अंदर की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये फर्श बेल्ट किया हुआ है, यहाँ पर देखो बोल्ट डाले हुए हैं, एंगल का काम यहाँ पे किया हुआ है ताकि पूरी मजबूती के साथ वहाँ पे ज्वाइंट रहे फर्श। नीचे से स्पेयर फॉक्स यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो चैनल्स डाले हुए हैं ताकि यहाँ पे जैक आसानी से लग सके। छः चक्का गाड़ी अगर कोई भी दिक्कत आती है यहाँ पर चैनल्स लगे हुए हैं देख सकते हो आप, और ऊपर से भी आप देख सकते हो यू बोल्ट बनाकर लगाए हुए हैं, और इस तरफ भी आप देख सकते हो बोल्ट्स यू बोल्ट्स लगे हुए हैं, और साथ में स्टॉपर लगा हुआ गाड़ी का, ढलान पर गाड़ी जब भी जाती है स्टॉपर आप इस्तेमाल कर सकते हो। और देख सकते हो मगराट आप पत्ती वाले और साथ में संगली मगराट आपको साथ में मिलेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटर लाइट्स, पार्किंग लाइट्स, ब्रेक लाइट्स उसको कवर करने के लिए देख सकते हो आप, सारा काम आपको गिल ट्रक बॉडी की ओर से मिलेगा। कंप्लीट गाड़ी बिल्कुल तैयार, पीछे डाले का व्यू देख सकते हो आप, 30 इंच का गाड़ी का डाला बनाया हुआ है, उसके ऊपर 5 फट्टे गाड़ी में डाले हुए हैं स्पेयर पाइप के, लकड़ी के भी लगवाने जाते हैं लकड़ी के लग जाते हैं। ब्लो हॉर्न देख सकते हो आप, रेडियम का सारा काम किया हुआ, डाले पर कुंडीज का काम यहाँ पे साथ में किया हुआ है, पीछे 5 mm की प्लेट लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे चेसिस थोड़ी सी कंपनी हल्की देती है तो उसको मजबूत करना पड़ता है। मूवेबल जाली देख सकते हो आप, हेड बैक लाइट्स आपको इजीली अवेलेबल रहेगी, पाइप्स का काम नीचे पाँव वगैरह रखने के लिए आपको सपोर्ट देगा। यहाँ पर देख सकते हो पीछे एक छोटी प्लेट भी लगाई हुई है, स्टील प्लेट जैसे हिमाचल में चलती है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। इसी प्रकार से इस साइड पे भी आपको सारा काम कंप्लीट मिलेगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं आपको कैबिन की, आपको कैबिन का लुक अंदर से दिखाते हैं। सबसे पहले आप सामने आपको हैंडल्स मिलेगा यहाँ पर, और लॉक करने के ऑप्शन देख सकते हो ऊपर, आपको रेलवे लॉक ट्रेस्को लॉक में आपको यहाँ पे लॉक कर सकते हो, स्क्रीन लॉक आपको तीसरा यहाँ पे मिलेगा, और चौथा लॉक आपको लंबी चाबी वाला लॉक यहाँ पे मिलेगा। अगर आपका कोई सामान नीचे गिर गया इस शीशे के सहारे तो यहाँ से आप उसको निकाल सकते हो, यहाँ से ऑप्शन दी हुई है, वैसे तो गिरता नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो रबड़ की फ्रेमिंग की हुई है हमने, और इस तरफ भी आपको फ्रेमिंग साथ में की हुई है ताकि पूरी गाड़ी वाटरप्रूफ रहती है बिल्कुल। चलिए हम कैबिन के अंदर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे सीट कवर्स आपको साथ में लगा कर देंगे, गियर लीवर बॉक्स देख सकते हो आप, और पीछे आप देखो सनमाइका लगाया हुआ बैक पर, यहाँ पे आप 3D डिजाइन भी लगा सकते हो, स्पेयर पाइप साथ में कपड़े वगैरह टांगने के लिए कुंडी लगाई हुई है, 24 वोल्ट का पंखा लगा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो आप लोहे का, और मोबाइल चार्ज का ऑप्शन रहता है, LED लाइट्स लगी हुई हैं, और मैग्नेटिक बॉक्सेस यहाँ पे साथ में आप देख सकते हो। आप इसमें ऊपर जाएंगे तो सामान रखेंगे तो आपको ढक्कन नीचे नहीं आएगा मिलेगा देख सकते हो आप, सारा अंदर पूरी सफाई के साथ सारा काम रहता है, लकड़ी बिल्कुल सूखी इस्तेमाल हो रही है। ऊपर देख सकते हो छत में जो डिज़ाइन लगे हुए हैं देख सकते हो आप, सोनी के यहाँ पर स्पीकर्स दो, साथ में म्यूजिक सिस्टम लगा रहेगा था, डबलिंग काम अंदर से भी आपको यहाँ पर मिलेगा, और देख सकते हो अंदर सफाई के साथ पूरा फिनिशिंग के साथ जो कोले वगैरह हैं वो पूरी सफाई के साथ यहाँ पे की हुई हैं, वाइपर मशीन नीचे फिट की हुई है उसको देख सकते हो आप, नट बोल्ट सिस्टम किया हुआ है, और मैग्नेटिक बॉक्सेस ये भी आपको छोटे मैग्नेटिक बॉक्सेस मिलेंगे आराम से आप खोल सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो आपके भगवान जी का मंदिर लगा हुआ है, धूप बत्ती अगरबत्ती करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन रहती है, उस साइड भी आपको बॉक्सेस मिलेंगे, और TKU चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे आपको बॉक्स मिलता है, ऑप्शन मिलता है, फायर स्टॉप की ऑप्शन यहाँ पे रहती है, यहाँ पे आप फायर स्टॉप इस्तेमाल कर सकते हो, और सामान रखने के लिए यहाँ पर L टाइप बनाई हुई है पार्सी, और उसमें भी आप सामान रख सकते हो। हर एक बॉक्सेज में आपको लॉक देख सकते हो आप, लॉक ऑप्शन मिलेगा, चोर खाने भी गाड़ी में हम बना कर देंगे, उसकी सीक्रेट रहते हैं, चोर खाने भी हम गाड़ी में आपको लगा कर देंगे। ब्लोअर के ऑप्शन देख सकते हो बिल्कुल ठीक सामने,
की तरफ रहती है। और जो म्यूजिक प्रेशर हॉर्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपको प्रेशर हॉर्न भी हम आपको चलाकर दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेशर हॉर्न और लिफ्ट एक्सेस स्विच यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और जो हम वायरिंग की है, जो हमने उसका फ्यूज हमने यहाँ पर दिया हुआ है, और डबल हेडलाइट्स जो डाली हुई है उसका हमने स्विच यहाँ पे लगाया हुआ है। तो नीचे पाँव की फट्टी भी आपको यहाँ पे साथ में हम लोग बना कर देंगे ताकि एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच पैडल आपको आसानी रहे, ड्राइवर कोई परेशानी ना आए। ये था जी कैबिन का फुल रिव्यू। यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी का वर्किंग व्यू, कैसे गाड़ी तैयार हुई है उसकी हमने थोड़ी सी क्लिप साथ में इस वीडियो के ऐड की हुई है बिना पेंट के। और यहाँ प्राइमर लगा हुआ, अंदर आप देख सकते हो बॉडी का सारा काम हुआ है, साइड का भी आप देख सकते हो सारा काम यहाँ पे कैसे यहाँ पे काम चल रहा है गिल्ट्रक बॉडी की बिल्डर्स की ओर से। और 20 दिन में हम गाड़ी की डिलीवरी दे रहे हैं, 20 दिन में वो गाड़ी तैयार मिलेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ शॉर्ट्स लिए हुए वो भी आप लास्ट में जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों। Turns to sun rays and on we'll go.